द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब सवाल ये है कि किसान आंदोलन के साथ सरकार किस तरह से निपटेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या किसान आंदोलन बैक ऑफ हो जाएगा या सरकार आने वाले दिनों में कोई और प्रस्ताव देगी उनसे बातचीत करने का। तो हमारे साथ है बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम। गौतम साहब, सबसे पहला ये सवाल है कि सरकार की स्ट्रेटजी क्या होगी और खास तरह से जिस तरह से कल किसान आंदोलन एक तरह से फेस ऑफ और जिस तरह से वो उनका जो चेहरा था, जो पूरे आंदोलन की जो कलई थी, वो खुलती सामने दिख रही है कि उनके पास कोई लीडरशिप नहीं था। हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई ये किसान आंदोलन है, किसानों का नहीं है। ये अनेकों अनेक चैनलों ने बताया है कि पंजाब जैसे क्षेत्र के अंदर भी 78% किसान मोदी जी का समर्थन करते हैं, पूरे देश में मोदी जी का समर्थन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसान के भेष में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो लोग आए थे और उन बड़े बड़े नेताओं ने जो भाषण कर रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि वो हमारे आदमी नहीं थे। इसका मतलब इतने लोग उनके साथ में नहीं थे, जो हम सच्चाई बार बार कह रहे थे, कितने लोग उनके साथ में नहीं थे। आज उन नेताओं को अपने आप में देखना चाहिए कि उनके पीछे कौन है, किसके लिए वो कर रहे हैं, क्या वो देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश ने बहुत संघर्ष देखा है, बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं। जब हमारे बेटे सीधा गोलियां खाते थे, फांसी पर चढ़ जाते, जब भी इस देश की हमने खंडित नहीं होने दिया। तो आज भी आज जनता के सामने हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने है किसने क्या किया है। आज जनता को मालूम है किसने लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए जनता इसका जवाब देगी और जो भी होगी उस पर कानून कार्रवाई की जाएगी। सीसी कैमरे, टीवी कैमरे से निकाले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे से ऐसी घटना, हम जी क्योंकि हमारे भाई थे, बंधु थे, किसान थे, मिलके बात करना चाहते थे, सुलझाना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि ये वो लोग नहीं हैं जिनसे बात की जाए। नहीं तो आप जो ये कह रहे हैं कि इसमें तो ये भी किसान संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिंधु जैसे लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे झंडा फहराया और उन्होंने भी बेसिकली इस आंदोलन को हाईजेक किया और किस तरह से एक जो बदनामी का आरोप लग रहा है वो उनकी तरफ से, और उनके फोटो सनी देओल के साथ में है, उनके इलेक्शन एजेंट हैं, तो वो आरोप तो दीप सिंधु पे भी लग रहा है। नहीं, सनी देओल के साथ फोटो खिंचाने का मतलब सनी देओल का होगा, जब चुनाव प्रचार में होते हैं उनके साथ तो इतने सारे लोग वोट फोटो खिंचाते हैं, इतने वोट भी नहीं मिलते कई बार को। ये कहना ठीक, आज वो उनके साथ में खड़ा हुआ है, उनके साथ में किसान आंदोलन के साथ में खड़ा हुआ है, उनके साथ गया है, उनके साथ चढ़ा है, उसको मदद करने वाले ये लोग थे। वहाँ पे कोई हमारा सांसद नहीं खड़ा था उसको खंभे पे चढ़ा रहा था, वही लोग चढ़ा रहे थे सर, वो दोषी हैं उस चीज़ के। ये कहकर अपने आप को पल्ला झाड़ लेना, हम तो पहले ही बता रहे थे, क्यों नहीं इन्होंने किया जब हमने कहा था, इन्होंने वादा किया था कि ट्रॉली पे दो ही आदमी जाएंगे खाली, इन्होंने वादा कहा था ट्रॉलर लेके नहीं चलेंगे, इन्होंने वादा किया था कि कोई शराब नहीं होगी, कुछ भी चेस होगी, इन्होंने वादा किया था कोई हथियार नहीं होगा, इन्होंने रूट डिसाइड किया था, क्यों नहीं रहे उस रूट पर भाई वो। इसका साफ जाहिर है कि किसान नेता तथाकथित किसान नेता, इनके पीछे कोई भी किसान उसान नहीं है, ये खाली एक अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जो किसान है वो तो खेत में और खुशहाल है वो। तो क्या इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है जो पहले की आप आरोप लगा रहे थे, और कनाडा से खालिस्तानी फंडिंग मिल रही है जिसकी बदौलत ये आंदोलन कर रहे हैं? देखिए कि जांच चल रही है, जांच के बाद सब साफ क्लियर होगा। तो सरकार के आने वाले दिनों में बिल्कुल अपने जो विंडो है बातचीत का वो बंद कर देगी, या सरकार अभी भी जो पुराना ऑफर दी थी सरकार ने उस पर सरकार कायम है कि अगर आपको डेडलॉक तोड़ना है तो उस ऑफर को ले जाएं और इसके साथ में एक कमेटी बने और कमेटी अपना काम करे और इस तरह से समस्या का समाधान निकले? देखिएगा, किसान है तो बात करे ना ही हमसे। किसान कभी नहीं कह सकता कि मैं इस किसान बिल को बंद कर दो, खत्म कर दो। ये किसान बिल्कुल पंजाब के लिए नहीं बना है भाई, पूरे देश के लिए बना है, किसी को कोई समस्या नहीं है। पंजाब के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था, कब कहां गए थे ये सारे लोग जो समय, और किसान वहां पंजाब के अंदर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही थी, ऑलरेडी वो हमारे किसान जो हमने बिल पास किया उस पर खरीदारी हुई है और ज्यादा खरीदारी, ज्यादा रेटों पर खरीदारी हुई है। ये खाली नाटक है, ड्रामा है इनका, ये पहले से ही इसको पसंद करते हैं। कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो तक में लिखा हुआ है, और मुझे लगता है आज भी हमारी सरकार सद्भावनापूर्ण वातावरण चाहती है, आज भी ओपन है, आए बात करें क्या सुधार चाहते हैं इसमें। हर सुधार करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अड़ियल तरीके से संविधान और लोकतंत्र को घटिया बताते हुए, धत्ता करते हुए कि नहीं बिल नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकसभा राज्यसभा बिल वाला बिल नहीं मानेंगे आप? हमने कोई पास किया है? आपने सांसद बना के भेजा, उन्होंने पास किया है, आपने विधायक बना के भेजा, उन्होंने पास किया, वो सब
तो इसलिए लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। लेकिन बिल तो रिपील नहीं होगा। नहीं, बिल नहीं होगा, बिल किसी भी हालत में नहीं होगा। आप सुधार बताइए ना, जीएसटी का विरोध करते थे, जीएसटी में तो गोतवा लास्ट में चल ही रहा है ना जी, और चल भी रहा है, जो सुधार का तो सुधार किया हमने, आज भी हम ओपन खुले दिल से बोल रहे हैं, बताइए भाई इसमें क्या करना है, बताइए अब इसमें क्या करना है, बताइए इसमें क्या करना है। आप कहें बिल वापसी ले लो, क्या मतलब भाई, आप तुम सारे सुधार करा लो लेकिन ये क्या अड़ना है, बिल वापसी कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में पहले दिन से ही खालिस्तानी थे और इनके बीच में कोई लीडर नहीं था, जो आपका जो स्टैंड था वो रेटिफाई हो गया कल की घटना से। लीडरलेस तो पहले भी था, और हम नहीं कह रहे, सारे किसान नेता है ना जी, जिनके पीछे किसान नहीं है, वो आज खुद ही कह रहे हैं कि हमारे हाथ से निकल चुका है, और ये सब अन्य असामाजिक तत्व थे, ये सबको मालूम हो चुका है। और पार्टी के लिए पंजाब में फ्यूचर क्या है, लोकल बॉडी के इलेक्शन आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोट जनता डालती है, जनता को पता है कौन आदमी क्या है, उनको कांग्रेस का चेहरा भी मालूम है कि कांग्रेस ऑलरेडी इस बिल का पसंद करती है। अकाली दल का देखो, उनकी मंत्री जो हमारी सरकार में रही है, उसने बिल पास होती बड़ी बड़ी बढ़ाइयाँ की हैं इस बिल की। खाली राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश को दाव पे लगा देना, जनता को दाव पे लगा देना, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा नहीं करेगी, ना होने देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए दुष्यंत गौतम, शंकर अनिमेश, धन्यवाद।